को लेकर के कुंदनपुर की तरफ चला है। आइए इधर गौर करते हैं, माता जो रुक्मिणी है बहुत परेशान है, हे प्रभु मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरा जो भैया है मेरे और आपके बीच में दीवार बन गया, कैसे मैं आपके पास आऊंगी। हे श्याम, अगर तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं इसी प्रकार से कटारी मार करके मर जाऊंगी। इधर क्या होता है, एक ब्राह्मण देव आ गए और द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षाम देही, आवाज लगाई तो ब्राह्मण देव जो है जब आवाज लगाते हैं तो रुक्मिणी अंदर से निकल के आई होती हुई। ब्राह्मण देव बोले अरे काय कर रही है भाई, हमने सुना है कि आज तुम्हारा कुछ ही आज से कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा विवाह होगा और तुम काय कर रही हो। बोले बाबा ये जो मेरा विवाह हो रहा है ना ये मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। बोले मतलब ये है कि मैं जो है शिशुपाल जो मेरे भाई का साला है ना मेरा भैया उसके साथ में विवाह करना चाहता है। और बोले तुम, बोले हम जो है भगवान कन्हैया के साथ में विवाह करना चाहते हैं। बोले तेरा भैया तेरा विवाह अपने साले के साथ में। बोले हाँ पंडित जी, नहीं ये तो गलत है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले तू किसके साथ करेगी। बोले भगवान कन्हैया के साथ। बोले तूने कहा देखा। बोले देखा है। बोले कहा देखा, देखा है। बोले कहीं तो देखा होगा। तो रुक्मिणी बोली मैंने सपने मैंने सपने में देखा है। बोले सपने में पागल हो गई, अरे सपने कभी अपने होते हैं। बोले नहीं, मेरे से बोला था कि तुम पत्र भिजवाना हम जरूर आएंगे, ऐसा करो पंडित जी तुम मेरा पत्र ले जाओ। बोले हाँ पहुंचे हम आए तो हड़बड़ाए पहुंचेंगे। कहाँ जाना है मालूम पत्र। बोले कहाँ जाना। बोले द्वारिका में रहते हैं भगवान श्याम सुंदर और हम तो कैसे उन्हें पहुंच पाए। बोले रुक्मिणी बोली पंडित जी अगर तुम नहीं ले गए तो हम मर जाएंगे। पंडित जी मेरी बात मान लो, तुम मेरे पत्र ले जाओ, अगर तुम मेरा पत्र नहीं ले गए तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। मरे समाचार में कौन से खाना नहीं है पंडित जी। कैसे पंडित जी हो तुम तो एक साथ हो मामा मेरे को डर रही है। आजकल नहीं जाते हना वगैरह होगा कल होंगे। अरे तो तुम पत्र लिए जाओ गली के मौके पर तो बुढ़ापो है। अच्छा लहुआ भेज दे चलो जाए तो लहुआ कर चलो जाए। अरे लहुआ जाएगा नाव नहीं लहुआ है।
ललित माँ ने कहा है पहुंचे गए तो पहुंचे गए और ना पहुंचे गए तो पहुंचे गए पहुंचे गए तो पत्थर पहुंचे गो तो कौन सो गए तो पता है पहुंचे गो ना पंडित जी पूरा विश्वास है जरूर ले जाओ और सोए मन नहीं जरूर ले गई हमारा पत्थर चले गए पत्थर के लिए जाए पत्थर का तो हमने खाएंगे जो चढ़ाओगे वो मिलेगा लेकिन अच्छा ना रहता अच्छा ना पंडित जी दक्षिणा आजकल ज्यादा मांग रहे कहा बात बिना दक्षिणा कोई काम ही नहीं माना गया अब यहाँ पे पत्थर दुर्गा भरे अच्छेना करो मन कर लो मैं कल्याण चाहे संग में इन्हें दक्षिणा दे मैं क्या पहुंचेगा पत्थर बहुत आएगा क्या नहीं ना 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 पंडित जी तुम्हें दक्षिणा जरूर मिलेगी हैं आवाज में आई आवाज में आई रुपया दे दक्षिणा अरे बयान दही तो अभी पंडित जी तो पहले क्या जीजा को पत्थर ले गए भाई जीजा को कहा हो क्या भाई और जीजा है वो क्या को है वो अच्छा अरे पंडित जी सही कही तुमने बड़ा दक्षिणा दे अब को बड़े वाले लोग लोगों को इतने ब्याज का जा रहा हूं मैं अच्छा तो हमें तुम्हारी हमारा तो तुम्हारी कोई नहीं लगता सो जो फटो है होना लेकर अब सजो कहां से लाए जे नाव छे तो जाओ चाहिए कि मऊ चाहिए अच्छे नोट दे दो तो ये दाम तो आधा आधा कर दे बड़े खराब पंडित जी देखे चलो कोई बात नहीं पाँच रुपए और बढ़ा देते चलो ले जी तब तक पाँच रुपये चले होगा चालू है बताइए तब जाओ पत्र ले जाओ और पत्र लिखा है एक महीने बोली है पंडित जी ले जाओ पत्र और भगवान से कहा है पत्र में अगर श्याम तुम नहीं आए तो मैं अपने जो है प्राणों को न्योछावर कर दूंगी लेकिन शिशुपाल के साथ दुल्हन बन करके नहीं जाऊंगी पत्र में जो है अपने हस्ताक्षर कर दिए पत्र दे दिया आप पंडित जी चले कहा द्वारका के लिए और जब द्वारका के
के लिए चले हैं तब क्या होता है? चैन सुनी गोविंद भगवान की। चाहता मैं ये कोई समस्या हो दी करते सात बना है गए ये करो लगा भी कहो तो नहीं आत्मा खटिया जाता जीवन कर रही है भूली मरी जाती है और भी परीक्षक महाराज के घर से नवलते भैया फिर जे जाते चलो जे जयकार और देखा उन्होंने कि एक बहुत सुंदर
पीपल का वृक्ष है और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए रघुपति महाराज। और बात अब हकीकत है, बुढ़ापे में कोई काम होता ही नहीं है। एक विद्वान कल्पना करता है कि एक ने आकर बड़े सुख दिखाए, किसने? बचपन में। देखिए भगवान आदमी के पीछे चार पन जोड़ता है, कौन से है? बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। और चार इशारे भी करता है आदमी के जीवन में, चार जो है घंटी बजती है। घंटी, पहली घंटी, बाल सफेद होने लगे। अब पहली घंटी जब बजी तो गए कारे कहवाया, बोले अब तो बहुत से ज्यादा कारे हो गए। भगवान इशारे करता है, अब बाल सफेद हो गए, अब थोड़ा सुधर जा, अब काले करवा लिए जो बाल है। अब दूसरी घंटी बजी, थोड़ा जो है कानों से कम सुनाई देने लगा, तो गए मशीन फिट करवाया, बोले अब पहले से ज्यादा सुनाई दे। कुछ दिन के बाद दूसरा इशारा आया, तो आंखों से कम दिखाई देने लगा, तो गए चश्मा लगवाया, बोले अब तो जाओ पहले से ज्यादा दिखाई दे। अब क्या हुआ, बाद में घंटी नहीं बल्कि घंटा ही बजता है। कहा है जो चार पन होते हैं वो इशारा करते हैं, और चार जो घंटी हैं इंसान को जो है सतर्क करती हैं कि अब सुधर जाओ। एक विद्वान ने एक कल्पना की और कहा